मगरमच्छ को पानी का आतंक माना जाता है। जो एक बार उनके जबड़े में फंस गया उसका बचना उतना ही नामुमकिन है जितना सूरज का पश्चिम से निकलना। धरती पर आज तक जितने भी रेप्टाइल्स हुए हैं उनमें सबसे खतरनाक और पावरफुल बाइट फोर्स मगरमच्छ का ही होता है। जंगल में तो हर घड़ी जान का खतरा बना रहता ही है, मगर पानी पीते वक्त इस आफत का ध्यान आपने नहीं रखा तो फिर कभी ध्यान रखने लायक छोड़ेगा नहीं है आपको। फिर चाहे शेर हो या हाथी, बड़े बड़े और खूंखार जानवरों का भी शिकार कर लेता है मगरमच्छ। मगर ऐसा नहीं है कि मगरमच्छ की हमेशा ही जीत होती है, कभी ऐसे मौके भी आते हैं जब ये खतरनाक शिकारी खुद ही शिकार हो जाता है। आज के वीडियो में हम ऐसे ही मौकों पर नजर डालेंगे जब मगरमच्छ गलत ओपोनेंट से भिड़ गया और उसे मुंह की खानी पड़ी। बस आप वीडियो के आखिरी तक मेरे साथ बने रहिएगा। नंबर 15, जैगुआर। इस वीडियो में देखिए कैसे ये जैगुआर तेजी से दौड़ता हुआ पानी में छलांग लगा देता है। नहीं, ऐसा नहीं है कि इसका आज नहाने का मन कर रहा है, जबकि ये तो मगरमच्छ को अपना शिकार बनाने के लिए पानी में कूदा है। जी बिल्कुल, इस बार मगरमच्छ ने नहीं बल्कि इस जैगुआर ने मगरमच्छ से पंगा लिया है और इतिहास गवाह है, जैगुआर कभी मगरमच्छ से नहीं हारा। इस लड़ाई का अंत भी कुछ इसी तरह का होना है। जैगुआर ने मगरमच्छ को गर्दन से दबोच रखा है और तब तक पकड़े रखा है जब तक कि मगरमच्छ के प्राण पखेरू नहीं उड़ गए। उसके बाद उसे खींचते हुए पानी से बाहर ले आया। नंबर 14, विल्डबीस्ट। हर साल करीब 25 लाख से भी ज्यादा विल्डबीस्ट केन्या से तंजानिया की तरफ सफर करते हैं। इस माइग्रेशन का कारण है दूसरी तरफ सबाना रेंजलैंड्स की हरी घास के मजे लेना, और इस सफर के बीच में विल्डबीस्ट के काफिले को द मारा रिवर पार करनी पड़ती है। बस बस इसी नदी के बीच ये कहानी खूंखार मोड़ लेती है। नदी पार करते हुए इन्हें जिस सबसे बड़े खतरे का सामना करना पड़ता है उसका नाम आप जानते ही है। जी हाँ, पानी का शैतान मगरमच्छ। इस बार इस मगरमच्छ ने एक विल्डबीस्ट की टांग को पकड़ लिया है, मगर ये विल्डबीस्ट हार मानने का नाम ही नहीं ले रहा है। और तभी हिप्पो नाम का एक फरिश्ता कहीं से आता है और इस विल्डबीस्ट को मगरमच्छ के चंगुल से छुड़ा लेता है। नंबर 13, क्रोकोडाइल। जी हाँ, एक ही बिरादरी में भी तो आपस में लड़ाइयाँ होती है, और जब दो क्रोकोडाइल आपस में झगड़ते हैं तो ये युद्ध बड़ा घमासान होता है। वैसे तो अडल्ट मगरमच्छ इतने समझदार होते हैं कि वे आपस में नहीं झगड़ते, क्योंकि वे जानते हैं कि ताकत और बहादुरी के मामले में दोनों में से कोई भी एक दूसरे से कम नहीं है। ऐसे में क्यों बेकार में एनर्जी वेस्ट करना, मगर ये बात बच्चे नहीं समझते ना। मगरमच्छ के बच्चे अक्सर खाने को लेकर या ऐसी ही किसी वजह से आपस में लड़ भिड़ पड़ते हैं। नंबर 12, बफलो। बफलो की साइज देखकर तो एक बार को शेर भी बफलो पर हमला करने से पहले 10 बार सोचता है, मगर पानी में तो भैया बफलो तो क्या, हाथी भी सेफ नहीं है। मगरमच्छ नाम का ये यमदूत किसी को नहीं छोड़ता। हाँ, मगर बहुत बार ऐसा हुआ है कि पानी के बाहर भैंसों ने मिलकर इसे पटक पटक कर मारा है। ये देखिए कैसे इस वीडियो में भैंसे मिलकर इस मगरमच्छ को उछाल उछाल कर पीट रहे हैं। यहाँ देखिए कैसे एक भैंस को इस मगरमच्छ ने गर्दन से पकड़ रखा है, मगर भैंस इतना ताकतवर है कि मगरमच्छ को ही खींच कर बाहर ले आया। और जब मगरमच्छ ने देखा कि यहाँ तो दुश्मनों की भीड़ जमा है तो उल्टे पैर भागा और वापस पानी में जाकर दुबक गया। नंबर 11, एलिफेंट। जैसा कि मैंने कहा, पानी में भैंसा तो क्या, हाथी भी सेफ नहीं है, क्योंकि पानी का ये शिकारी दानव किसी से नहीं डरता और हाथी जैसे बड़े जानवर पर भी हमला करने में जरा भी नहीं हिचकिचाता। वो इतना तो समझता है कि हाथी के शरीर का सबसे कमजोर अंग उसकी सूंड है और इसलिए वह उसी पर हमला करता है और ज्यादातर हाथी के बच्चों पर घात लगाता है। बट हाथी से पंगा लेना इतना भी आसान काम नहीं है। ऐसे में कभी कभी मगरमच्छ के दांव उल्टे पड़ जाते हैं और वह अपनी बेइज्जती करवा बैठता है। अब यहीं पर देख लीजिए, जब इस मगरमच्छ ने हाथी की सूंड पर हमला बोला तो हाथी ने सूंड से ही उसे उठा उठा कर पटक दिया। नंबर 10, वाइल्ड बोर। जंगली सुअर की ताकत उसकी फुर्ती है। वो एक क्रोकोडाइल के अटैक से तभी बच सकता है जब उसके जबड़े में फंसने से पहले ही खुद को बचा ले। अब इस वीडियो क्लिप में देखिए कैसे एक मगरमच्छ पानी से बाहर निकल कर आता है और बोर के बच्चों पर हमला कर देता है, मगर जब पलटवार कर सारे बोर्स एक साथ उस मगरमच्छ पर टूट पड़ते हैं तो बेचारे की फजीहत हो जाती है। बड़ी बेइज्जती हो गई बेचारे की, एक सुअर से हार गया, अब अपनी बिरादरी वालों को क्या मुंह दिखाएगा ये। इस वीडियो में भी बिल्कुल कथकली करते हुए मगरमच्छ के जबड़े से बच निकला है ये सुअर। नंबर 9, कैट।
जी हाँ, सुनने में भले अजीब लग रहा होगा मगर ये सच है कि मगरमच्छ बिल्लियों से भी हार चुका है। देखिए कैसे इस एक बिल्ली ने दो दो मगरमच्छ को रोक रखा है। एक बार को जोर से गर्दन हिलाकर मगरमच्छ ने बिल्ली को डराने की कोशिश की मगर वो ये भूल गया कि बिल्ली भले छोटी सी है मगर रिश्ते में शेर की मौसी लगती है। बेचारा वापस जाकर पानी में दुबक गया और यहाँ तो बाकायदा बिल्ली ने इस मगरमच्छ को झापड़ ही रसीद कर दिया। ऐसा लग रहा है होमवर्क नहीं करने पर टीचर स्टूडेंट को पनिश कर रही है। नंबर 8, टाइगर। टाइगर से पंगा लेना तो किसी भी जानवर के लिए भारी पड़ सकता है, फिर चाहे वो क्रोकोडाइल ही क्यों ना हो। आज तक मगरमच्छ और टाइगर के बीच जितनी बार भी जंग हुई है हमेशा टाइगर ही जीता है, क्योंकि टाइगर का जो एक मास्टर स्ट्रोक होता है वो क्रोकोडाइल को एक बार में चित कर देता है। टाइगर हमेशा क्रोकोडाइल की गर्दन पर पीछे से वार करता है और उसे चीर फाड़ देता है। लड़ाई भले पानी में हो या फिर जमीन पर, टाइगर हमेशा ही क्रोकोडाइल पर भारी पड़ता है। नंबर 7, ऑटर। ऑटर जिसे हिंदी में उदबिलाव कहते हैं, ये भी मगरमच्छ के लिए कभी कभी खतरा बन जाते हैं। क्यूट सा दिखने वाला ये जानवर अपनी हरकतों से बिल्कुल भी क्यूट नहीं कहा जा सकता। पानी में रहते हुए ये ऑटर कभी कभी मगरमच्छ को भी शिकार बनाने की कोशिश करते हैं। ये हमेशा झुंड में हमला करते हैं और इसलिए मगरमच्छ पर भारी पड़ते हैं। फिर चाहे जमीन हो या पानी, मगरमच्छ कभी भी आगे रहकर ऑटर्स का शिकार करने नहीं जाता मगर अक्सर ऑटर्स का शिकार हो जाता है। ये ऑटर्स मिलकर बेचारे मगरमच्छ को बहुत परेशान करते हैं। नंबर 6, हिप्पोपोटामस। मगरमच्छ की ही तरह पानी में एक और विशालकाय जीव रहता है, हिप्पो। ज्यादातर वक्त यही देखा गया है कि ये दोनों आपस में ज्यादा टकराते नहीं, क्योंकि मगरमच्छ की सबसे बड़ी ताकत पानी में होने वाली लड़ाई है मगर हिप्पो के साथ उसे ये एडवांटेज नहीं मिलता और इसलिए हिप्पो को शिकार बनाना उसके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। अब यही देखिए एक बेचारा मगरमच्छ किस तरह हिप्पो के झुंड में फंस गया और ये हिप्पो मिलकर उसे फुटबॉल समझकर इधर उधर उछाल रहे हैं। मगरमच्छ की ऐसी बेइज्जती मैंने आज से पहले कभी नहीं देखी थी। नंबर 5, इलेक्ट्रिक ईल। ये एक प्रकार की लंबी मछली है जो अपने शिकार को इलेक्ट्रिसिटी का झटका देकर मारती है, इसलिए मगरमच्छ जैसे शिकारियों से भी आसानी से बच जाती है। अब यहाँ इस वीडियो में देखिए कैसे एक मगरमच्छ ने ईल को अपने जबड़े में दबोच लिया है मगर थोड़ी ही देर में बेचारा मगरमच्छ ठंडा पड़ गया। लगता है बड़ा तगड़ा बिजली का झटका खाया है इसने मगर अभी भी ईल की परेशानी वैसी की वैसी ही है। मगरमच्छ मर गया मगर उसने मुंह नहीं खोला। अब ये उसके जबड़े से बाहर कैसे निकलेगी, ये तो वही बात हो गई कि हम तो डूबेंगे सनम, तुम्हें भी ले डूबेंगे। नंबर 4, बबून। एक बबून माँ अपने बच्चे को बहुत प्यार करती है। अगर उसके बच्चे को किसी ने छेड़ने की या नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो फिर उसे बबून माँ के गुस्से से कोई नहीं बचा सकता। यहाँ ये मगरमच्छ बस यही गलती कर गया, इसने बबून के बच्चे पर हमला कर दिया और माँ ने अकेले ही इस चैतान मगरमच्छ को वहाँ से खदेड़ दिया। खैर तब तक बहुत देर हो चुकी थी और उसका बच्चा अपनी जान गंवा चुका था। अब यहाँ देखिए कैसे इतने सारे बबून्स ने मिलकर बेचारे एक मगरमच्छ को घेर लिया है और उसे उठाकर पटक रहे हैं। यहाँ देखिए कैसे ये बबून अपनी मुंडी इस नरक के द्वार यानी मगरमच्छ के जबड़े से बाहर निकालने की कोशिश कर रहा है और आखिरकार बच भी निकलता है। नंबर 3, हॉर्स। जी हाँ, क्रोकोडाइल और हॉर्स के बीच की लड़ाई भी जबरदस्त होती है। हो सकता है पानी में मगरमच्छ भारी पड़ जाए मगर जमीन पर तो घोड़ा मगरमच्छ को दौड़ा दौड़ा कर पीटेगा। अब यहाँ इस वीडियो में देखिए ये काला घोड़ा मस्ती में घास चर रहा था और एक मगरमच्छ वही पास में पड़ा हुआ था। पता नहीं घोड़े को क्या सूझी कि ये उसी पर चढ़कर कूदने लगा। बेचारे पर बेवजह ही लातों की बरसात कर दी इस घोड़े ने। नंबर 2, पायथन। पायथन से पंगा लेना मगरमच्छ को हमेशा ही भारी पड़ता है, क्योंकि पायथन जब शरीर के चारों तरफ लिपटता है तो अच्छे अच्छों की हड्डी का चूरा कर देता है और फिर उसे पूरा निगल जाता है। बिल्कुल हिप्पो की ही तरह पायथन के सामने भी ये पानी वाला एडवांटेज मगरमच्छ को नहीं मिलता। यहाँ देखिए ये बड़ा सा पायथन चल पड़ा है पत्थर के नीचे आराम कर रहे मगरमच्छ को अपना शिकार बनाने। पायथन को देखते ही मगरमच्छ ने उस पर हमला बोल दिया और दोनों के बीच में शुरू हो गया घमासान युद्ध। मगर जैसा कि एक्सपेक्टेड था, पायथन ने मगरमच्छ को लपेट लिया और अगर ये लोग आज यहाँ नहीं आते तो मगरमच्छ तो भगवान को प्यारा हो गया होता। नंबर 1, लायन।
राजा साहब का शिकार करने की हिम्मत बस मगरमच्छ ही कर सकता है, मगर ये लड़ाई कभी भी आसान नहीं होती। कभी कभी मगरमच्छ को अपनी करतूत का अंजाम भुगतना पड़ता है। अगर झगड़ा पानी में हो तब तो मगरमच्छ ही भारी पड़ता है, मगर जब मगरमच्छ पानी के बाहर शेरों के हत्थे चढ़ गया तो सीधा यमलोक पहुंच जाता है। यहाँ इस वीडियो में देखिए, लगता है जंगल की किंगडम को लेकर कोई बहुत इम्पोर्टेंट डिस्कशन हो रही है। और देखिए कैसे एक शेर से लड़ रहा बेचारा मगरमच्छ अचानक तीन तीन शेरों से घिर जाता है और फिर तीनों मिलकर पीटते हैं बेचारे को, चारों तरफ से प्रहार करते हैं। ये तो बेचारे मगरमच्छ के साथ राजा साहब का अन्याय है। तो ये थे कुछ मौके जब खूंखार और शक्तिशाली मगरमच्छ को भी अपने शिकार से मुंह की खानी पड़ी, कहीं बुरी तरह मार खाई तो कहीं खुद ही शिकार हो गया। आज के वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो हमारे इस वीडियो को लाइक कर दे और प्लीज मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा इस लिस्ट में आपको सबसे शानदार कौन सी लड़ाई लगी और आप इनमें से किस जानवर को क्रोकोडाइल से ज्यादा ताकतवर मानते हैं। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कर दे और बेल आइकन को भी प्रेस कर दे ताकि हमारी नोटिफिकेशंस आप तक जल्द से जल्द पहुंच जाए।